इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? वेरी गुड। और इसी तरीके से अपने आप को भी बूस्ट कीजिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? कौन आपका चैनल? मेरे साथ में एक मेरे स्टूडेंट कोटा से। आपका नाम? कुलदीप मेहरा, कोटा, राजस्थान से हूँ मैं। कुलदीप, आप क्या बता रहे हो आज? मैं आज बता रहा हूँ आपको, आसुस का आपके पास मोबाइल है और इसमें जो ये क्वांटम सीपीयू लगा हुआ है, तो इसकी हम आज एफआरपी करेंगे। तो कुलदीप, किससे करेंगे? टूल कौन सा यूज करेंगे? इसमें हम मिरेकल का क्रैक वर्जन यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये फास्टफूड मोड पे चलता है, एडीबी मोड पे नहीं होता है। तो इसको हम पहले फास्टफूड से क्रैक वर्जन से एडीबी में रन करेंगे, उसके बाद हम इसका एफआरपी अनलॉक करेंगे। तो मैंने बोला कि अगर इसको ईडी लोड पे नहीं आता है, और ईडी लोड पे नहीं आता है, तो दो मोड बचते हैं हमारे पास में, एक फास्टफूड मोड और एक एडीबी। तो फास्टफूड रूट पे कनेक्ट करेंगे। दिखाइए यहाँ पे फास्टफूड रूट कनेक्ट करने के लिए। देखिए सर, ठीक है, ये फास्टफूड मोड है। अब हम इस पावर देखा होगा इसको, तो देखिए दोस्तों फास्टफूड मोड है। ठीक है, इसको हम एडीबी पे लाते हैं मेरे घर से। ठीक है, नहीं करेक्ट कर दो। पहले से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं मोबाइल को। ये अपना फास्टफूड मोड पे है आपका भी मोबाइल, अभी इसको हम फास्टफूड पे ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी फास्टफूड मोड पे है कुलदीप। आप ये बताओ कि आपका ड्राइवर अभी क्या दिखा रहा है आपको, पहले डिवाइस मैनेजर में ये बताओ। डिवाइस मैनेजर ऑन है अपना ऑलरेडी पहले से। अरे वो ऑल मैक्सिमाइज ऑलरेडी। हाँ करो। फास्टफूड पर तो देखो, नहीं नीचे देखो, नीचे देखो, अदर डिवाइसेस में, अदर डिवाइसेस देखो। मतलब क्या ये अपडेटेड है कि क्या है? क्या है? अपडेटेड नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट। ठीक है, करो भाई, बताओ कैसे। बूट लोडर क्या होता है, किसे कहते हैं बूट लोडर? दोनों एक ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे। आप देखो यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पर शो हो रहा है बिल्कुल। अब चलते हैं पर मेरा कैमरे नीचे नीचे जो नीचे मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। एंड्रॉइड के बाद एडीबी एक्स्ट्रा पे जाएंगे। नहीं, पर फास्टफूड पे रहना भी अपन, अभी तो हम फास्टफूड पे है, तो हम फास्टफूड पे जाएंगे ना। और स्टॉप करके फिर से स्टॉप करो, वेट करो, अब करो। और अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो एडीबी पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे एडीबी क्या दिखा रहा है हमें, इनेबल हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे इनेबल यूएसबी एडीबी में क्या है, तो अब अपने फोन को स्टार्ट में दिखाओ, और एक बार स्टार्ट में एफआरपी में कनेक्ट कर दो बस फोन को। तो ये हमारा फोन ऑन हो रहा है। तो अभी अभी पर हमने एफआरपी नहीं हटाया, सिर्फ अभी एडीबी मोड को ऑन किया, एनेबल किया। ये चीज हम सैमसंग में नहीं कर सकते, इसका कारण इसलिए क्योंकि सैमसंग में फास्टफूड मोड होता ही नहीं, इसलिए हमें एडीबी को उसको हमें कॉम्बिनेशन फाइल से एनेबल करना होता है। डाउनलोडिंग मोड पे काम करता है, डाउनलोडिंग मोड पे काम करता है। अपना मोबाइल ऑन हो रहा है, तो एक मोबाइल पकड़ लो भाई, आगे नवल आप मोबाइल पकड़ लो, ठीक। और आप यहाँ पे टूल पे बताओ कि अब टूल में जैसे ऑन हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपना मोबाइल ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ अपना वो भी खोल लो पीछे बैकग्राउंड में डिवाइस मैनेजर, क्योंकि एडीबी के भी हो सकते हैं कि ड्राइवर अपडेट ना हो इसमें। ये वाइट वाला, वाइट वाला। तो फोन ऑन होने दीजिए पूरी तरीके से। नहीं, वो तो पहले से ही है,
अभी इसमें ऑन होने दो पहले। तो यहाँ पर हम कहाँ पे क्लिक करेंगे आप? यहाँ पे जो एडीबी एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे। और कौन देखो ऑसुस लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? यहाँ पे ऑसुस नहीं लिखा हुआ है। तो मोटोरोला पहले कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका जो सीपीयू है वो क्वालकॉम है, तो हम यहाँ पे मोटोरोला एफआरपी को ही सेलेक्ट करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, एक ओरिजिनल लगाओ तो देखते हैं कि ओरिजिनल में एडीबी एक्स्ट्रा में और क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ऑसुस मिलता है कि नहीं मिलता, ये भी हम बता लेते हैं। लगा दो एक ओरिजिनल लगा दो इनके में, तुम्हारे में ओरिजिनल सेटअप डाला है? हाँ तो लगा दो, तो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा क्या था जिनके पास में होगा। अब देखिए यहाँ पर ही हमारा आ चुका है फोन, अब निकाल के वापस वो देखो एडीबी एक्स्ट्रा भी आ गया। देखो एडीबी इंटरफेस आ गया अदर डिवाइसेस में, देखो एडीबी एनेबल हो गया यहाँ पर, दिखाइए अदर डिवाइस में देखो कुलदीप वहां पर देखो नहीं अभी नहीं अदर डिवाइस में देखो कुलदीप एडीबी दिख रहा है आपको यहाँ पर। आप इसको क्या करेंगे हम अपडेट करोगे क्योंकि ये भी है मतलब हमारा वहां पे यूएसबी डिबगिंग ऑन हो सकता है, तो वहां पे ओके करो उसको। सर उसका नहीं तो हटा दो उसको, हटा दो ठीक है। अब करो अपडेट, अब क्या करोगे ब्राउज, वेरी गुड। अब यहाँ पर वही एडीबी एडीबी उबर उबर वेरी गुड नेक्स्ट। अब यहाँ पर एडीबी सैमसंग में चले जाओ, यहाँ पहले वाला ले लो ले लो नेक्स्ट। अब यस अब ये भी हो गया हमारा यहाँ पर एडीबी बस। तो अभी हम देखेंगे हमारा ऑलरेडी उसने एडीबी यूएसबी डिबगिंग ले लिया, इसमें ये डिबगिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा क्योंकि वो देखो ऑलरेडी ले लिया ना उसने हमारा सैमसंग, देखो बन गया पोर्ट यहाँ पर। तो आप बस मिरेकल ओपन करो अभी ओरिजिनल वाला। तो दोस्तों यहाँ पे हम ओरिजिनल वाला मिरेकल से ये बता रहे हैं कि आपको जरूरत क्यों है मिरेकल की, हो सकता है एडीबी एक्स्ट्रा में आपको ऑसस वाला भी मिल जाए, मिल सकता है, तो हम चांस क्यों ले, कस्टमर का मोबाइल है क्योंकि अभी यहाँ पे अपना शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यही वाला लेना है, लेना तो यही वाला है, फिर भी हम अगर दुकानों में दोस्तों कोशिश करो बॉक्स के साथ बॉक्स के साथ काम करो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्या हो गया हाँ क्योंकि अपने ओरिजिनल चला है ना, क्रैक हटा दो बंद कर दो और थंडर ओपन करो डेस्कटॉप पर। कैमरे में कंफ्यूज हो गया तो लगता है कुलदीप भाई मेहंदी, हाँ मेहंदी बोल लेता हूँ हमारा क्यों मेहंदी भैया सर हम तो कर ही देते सर जो हमने तो बता ही नहीं सीएमडी कमांड टूल खुली, अभी हमने हॉटस्पॉट मोबाइल की फ्लैशिंग की है। चलो अब यहाँ पर बताइए यहाँ पे कौन से, ये मेडिकल का ओरिजिनल वर्जन है 2.87 एंड्रॉइड में जाते ही अपना ओरिजिनल है एडीबी एक्स्ट्रा ठीक है। ओरिजिनल में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे एडीबी एक्स्ट्रा में जाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं नहीं है यहाँ पर मोटोरोला ठीक है, चल लीजिए फिर स्टार्ट पे कर देता हूँ आगे बढ़ते हैं थोड़ा पास ले जाओ थोड़ा उसके बाजू के स्क्रीन के बाजू में ले जाओ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर आ गया है और यहाँ पे मोटोरोला एफआरपी रिसेट दिख रहा है आपको, और उसका मॉडल आ गया यहाँ पर Z00 और देखिए यहाँ पे एफआरपी लॉक रिमूव बता दिया यहाँ पर, नहीं अब यहाँ निकाल लो केबल निकाल लो और वहीं पे रखो सामने और इधर आ जाओ सामने आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मोटोरोला की एफआरपी ऐसी ही निकाली जाती है, अगर आप मोटोरोला की एफआरपी निकाल रहे हैं तो फोन को फैक्ट्री मोड पे डाल के एडीबी को ऑन करते हैं और उसके बाद में फिर आप नॉर्मल मोड से उसको एडीबी एक्स्ट्रा में जाके मोटोरोला एफआरपी रिसेट करते हैं, बट यूएमटी होगा तो आपसे भी न्यू एफआरपी में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारे काम अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल को हमने पहले फास्ट मोड से एडीबी पे लाया है और उसके बाद सबसे बड़ा मैटर होता है ड्राइवर, ड्राइवर सबसे बड़ा मैटर है, अगर ड्राइवर समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। यहाँ पे हमने ड्राइवर अपडेट करने तो सिखा दिए पर कौन से ड्राइवर यूज किए ये तो आपको पता चलेगा सिर्फ यही आके
तो अगर आपको आना है तो नंबर पे आपको कॉल करना है 9644139972, और नहीं लग रहा है तो कॉल SMS कर सकते हैं। जैसे लोग ने भी तो कॉल किए होंगे है ना, फिर SMS भी किए होंगे। SMS किया था, रिप्लाई आया था, दिल्ली से आया नवल हमारे स्टूडेंट, वही कुलदीप कोटा राजस्थान, और मेहंदी हमारे बिहार, प्रांशु गुप्ता यूपी। अच्छा रात के 2 बजे कन्फर्म हो गया था, कौन सा मैसेज मारा था? ये देखिए फोन का हट गया, और यहाँ पे FRP इसका हट गया है, देखिए दोस्तों। चलिए ताली बजा दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, कनेक्ट रहिए इसी तरीके से, और मेरी नया सॉफ्टवेयर का बुक के लिए वेट कीजिए, यहाँ पे थोड़े दिन में आ जाएगी, आपको YouTube से ही अपडेट मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो होगा क्या कि आपको बहुत सारे सीखने को मिलता है हमारी वीडियो से, तो हमसे भी यहाँ पर काम दिखाते हैं। दूसरी बात, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाल कलर के नीचे बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इसमें देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, MI, Xiaomi, सैमसंग और MediaTek के या Qualcomm के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफी अच्छी बुक है और काफी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। मित्रों ये सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। एंड ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.